इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रिफ्रेश स्किन साइंस का ऑनेस्ट रिव्यू एंड साथ ही मैं अपना करूँगी स्किन केयर रूटीन इसके साथ। तो चलिए मैं आप दिखाती हूँ। एंड ये मुझे खुद ब्रांड ने सेंड किया था एंड ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है एंड इसे मैं 20 डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे स्किन पे काफ़ी विजिबल इफेक्ट नज़र आए हैं, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। एंड इस तरह से मुझे ये रिसीव हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग मुझे लगी है इसकी, ये काफ़ी अच्छे से एंड सेफली आई है मेरे पास। ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है एंड इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देख सकते हो ये इस तरह से मुझे रिसीव हुई है। देख सकते हो ये पूरा किट आता है। इसमें आपको मिलेगा एक फेस वॉश, टोनर एंड सीरम्स मिलेंगे। एंड इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट प्रिफर करते हैं। तो मैंने ड्राई स्किन के लिए मंगवाया है, तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट भेजा है। तो चलिए अपना स्टार्ट करती हूँ स्किन केयर। तो ये है रिफ्रेश का फोमिंग क्लिंजर विथ पर्सलेन एक्सट्रैक्ट। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये रेजुविनेट करता है स्किन को एंड ब्राइटन करता है कॉम्प्लेक्शन को। एंड ये पैराबीन फ्री है एंड ये क्वालिटी फ्री है। इसमें है पर्सलेन एक्सट्रैक्ट। पर्सलेन कंटेन करता है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करता है एंड आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर कर। चलिए इसे अपने फेस पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपना मेकअप रिमूव कर लें एंड हेयर को टाई कर लें। एंड मैंने कुछ मेकअप अप्लाई नहीं किया है अपने स्किन पे, तो मैं इसे डायरेक्ट यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आप पैकिंग में आप इसको रिसीव कर लोगे। इसमें ब्रश दिया गया है एंड इसका कवर दिया गया है जो बहुत ही हाइजीन के लिए अच्छा होता है। एंड इसका ब्रश भी देख सकते हो, काफ़ी सॉफ्ट सा ब्रश है। तो इसे पंप करने पे ये प्रोडक्ट बाहर आएगी। तो इसे यूज़ करने का तरीका है, देख सकते हो, पंप लेना है अपने फेस पे एंड पूरे फेस पे इस तरह से सर्कुलर मोशन पे इसे अपने फेस पे लगाना है। काफ़ी सॉफ्ट सा ब्रश है इसका, बहुत सॉफ्ट सा ब्रश है। इस तरह से ये आपके डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। इसे यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ले ले। जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले ज़रूरी होता है पैच टेस्ट लेना। मेरा स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसे मैं 2 मिनट करूँगी और उसके बाद इसे मैं वॉश कर लूँगी। नेक एरिया को भी क्लीन कर ले अच्छे से। मैं जा रही हूँ इसे वॉश करने। फेस को मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है एंड आप इस तरह से ड्राई कर ले, टॉवल से ड्राई कर ले। इसको टॉवल से रब ना करें, इसे अच्छे से पेट ड्राई कर ले। देख सकते हो स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे एंड काफ़ी क्लीन लग रहा है एंड मॉइस्चर भी है इसमें, तो बिल्कुल भी ड्राई मुझे नहीं फील हो रहा है फेस को वॉश करने के बाद भी। एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड इसके बाद अप्लाई करूँगी, मैं करूँगी टोनर। ये टोनर रिफ्रेश का PHA 3% अल्कोहल फ्री फेस टोनर है एंड देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग में ये रिसीव हो जाती है। तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको ये रिसीव हो जाएगा। इसमें PHA 3% है एंड ये अल्कोहल फ्री है। ये पोर टाइटनर है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, तो ये एक जेंटल एक्सफोलिएटर है। ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है एंड आपके डेड स्किन सेल को रिमूव करता है। तो इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे इस तरह से, देख सकते हो। इसे आप ड्राई होने दें। क्लिंजर के बाद टोनर जरूर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी विटामिन सी सीरम। तो ये रिफ्रेश स्किन साइंस का विटामिन सी सीरम है एंड ये 20% विटामिन सी सीरम है। तो विटामिन सी सीरम आपके स्किन को ब्राइटन करता है, अनइवन स्किन टोन को इवन बनाता है, स्किन को एक रेडियंस ग्लो प्रोवाइड करता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है एंड ये आपके एक्ने को भी ट्रीट करता है। इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ इसे किस तरह से यूज़ करना है। देख सकते हो इस तरह से इसकी पैकिंग है, बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग है इसकी। एंड ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट सा लगता है। ये वाइट कलर के आपको ये डब्बे में रिसीव हो जाएगा एंड इसमें दिया गया है ये ड्रॉप। तो इस तरह 3 ड्रॉप लेना है आपने फेस पे। काफ़ी लाइट है,
नेक एरिया को भी ना भूले, नेक एरिया में भी अप्लाई करें, देख सकते हो ये स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज भी रख रहा है, ड्राई नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। देख सकते हो के बाद हम यूज़ करेंगे, देख सकते हो रिफ्रेश का हाइलुरोनिक एसिड प्लस डी पेंथेनॉल। ये एक फेस सीरम है एंड ये आपके स्किन को प्लम्पनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देता है एंड ये आपके स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है। तो हाइलुरोनिक एसिड स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है एंड एक प्लम्पनेस देता है स्किन में। तो डी पेंथेनॉल प्रो विटामिन है, ये विटामिन B5 है जो आपके एपिडर्मल में वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है एंड ये रिड्यूस करता है रिंकल को एंड फाइन लाइंस को। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है, ये आपके ऑन को हील करता है एंड आपके स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, दोनों ही काफ़ी बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए। तो इसके बाद मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, ये ट्रांसपेरेंट से डब्बे में शीशी में आती है एंड इसमें भी दी गई है, ये देख सकते हो ड्रॉपर, ये भी आपको अपने फेस पे 3 ड्रॉप यूज़ करने हैं, देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से अपने फिंगर टिप से अपने फेस पे अप्लाई कर ले, इसलिए अपने फेस पे ये अब्जॉर्ब हो जाता है, देख सकते हो स्किन में ग्लो। काफ़ी मुझे ये पसंद आया प्रोडक्ट, मुझे यूज़ करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। मैं स्किन काफ़ी ड्राई हो चुका था तो इसे यूज़ करने के बाद मेरे स्किन में मॉइस्चर अच्छे से लॉक हो जाता है, फेस वॉश करने के बाद भी कुछ ना भी लगाओ तो स्किन में मॉइस्चर रहता है, स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड मैं वीडियो जब शूट कर रही थी तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया था अपनी स्किन पर, फिर भी मेरा स्किन ड्राई नहीं लग रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी इसे एंड इसका आप इसे बाई करना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो है 2049 रुपीज़ एंड इसमें आपको फेस वॉश मिल रहा है, टोनर मिल रहा है एंड 2 सीरम्स मिल रहे हैं एंड ये आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको यूज़ अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ड्राई के लिए किट मंगवा सकते हो एंड आपका स्किन सेंसेटिव है तो सेंसेटिव के लिए अलग सा किट आता है, आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो इसके लिए भी अलग से किट आपको मिल जाएगा। इनका सेंसेटिव स्किन है पहले नाइट टाइम से स्टार्ट करें, 1 वीक होने दे उसके बाद डे टाइम यूज़ करें एंड डे टाइम पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सन एक्सपोजर से ये आपको उल्टा इफेक्ट भी दे सकता है, तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें डे टाइम में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए एंड साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी एंड अभी के लिए बाय बाय।